समय से देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास पेशकश में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि इस खास मुलाकात में देश दुनिया के तमाम ऐसी बड़ी राजनीतिक हस्तियां, बड़े उद्योगपति, बड़े समाजसेवी इस खास मुलाकात का हिस्सा बन चुके हैं। वो लोग जिनका काम कहीं ना कहीं वो आवाज आप तक नहीं पहुंची उसे पहुंचाने का काम समय नेशनल पिछले कई वर्षों से करता है। आज मेरी इस खास मुलाकात में मेरे साथ डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र के नामचीन हस्ती और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के करीबी माने जाने वाले गणेश शिंदे जी मेरे इस खास मुलाकात में। सर, आपका मेरे इस खास मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। गणेश जी, सबसे पहले तो मेरे इस खास मुलाकात में स्वागत है और कहीं ना कहीं एक पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आने वाला आगामी विधानसभा का चुनाव है और उसमें प्रमुख तौर पे अगर चर्चा की बात करें तो आपका भी नाम उस रेस में नाम अंकित किया गया है। क्या तैयारी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे पास आके जो मुख्यमंत्री साहब लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके माध्यम से अभी नवनिर्वाचित खासदार है जो रविंद्र वायकर जी है, वो लोगों के लिए काम करना उन्होंने अभी शुरू किया है। और मैं युवा प्रमुख करके ढाई साल से डिंडोसी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। आप हमारी आवाज, हमारा काम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसका मैं खास तौर पे आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात नाम की, चर्चे में रहने की, तो जो काम करेगा वो चर्चे में आएगा, तो मैं गए ढाई साल से काम ही कर रहा हूँ। और बाला साहब ठाकरे का जो मंत्र है शिवसेना को दिया हुआ, 20% राजकारण और 80% समाजकरण, वो लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी जो ढाई साल से शुरुआत किया था तो सिर्फ समाजकरण ही हम लोग कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब भी समाजकरण कर रहे हैं, हम लोग भी समाजकरण कर रहे हैं और हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को काम लेके पहुंच रहे हैं, लोगों को अलग अलग योजना लेके पहुंच रहे हैं उनके पास। और उसके तहत तो स्वाभाविक है, नाम तो आना ही है। अभी हर चुनाव में, जो लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, महानगर पालिका हुआ, अलग अलग चुनाव में जो काम करता है उसका उनका नाम तो आता ही है। तो वैसे तो आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है कि हमारा नाम डिंडोसी विधानसभा में चर्चा में आया है और आने वाले चुनाव में पता नहीं किसको मौका मिलेगा, लेकिन हमारे मुख्य नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, यहाँ पे रविंद्र वायकर जी है, वो अच्छा से अच्छा आदमी का चयन करेंगे और हमें विधानसभा में भेजेंगे और हम उसके तहत ही लोगों का काम करेंगे। चर्चाओं में अगर बात करें तो ये जो नाम अंकित किया जा रहा है वो शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के जो वरिष्ठ नेता है उनके तरफ से ये रिकमेंड किया जा रहा है कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार दे जो एक साफ छवि का हो, खास करके डिंडोसी विधानसभा। आपका पिछला कई वर्षों का कार्यकाल गोरेगांव से जुड़ा हुआ है, ऐसे में डिंडोसी विधानसभा में आना और एक चैलेंज होगा क्योंकि लोगों में आपको जाना है, लोगों को आपको पहचानना है, लोगों की समस्या को सुनना। हालांकि आपने कुछ काम भी बहुत अच्छे किए हैं जिसकी सूचना हमें भी कुछ देर पहले मिली, तो अगर ये मौका मिलता है आपको डिंडोसी का तो क्या एक ध्येय होगा, ऐसा आपने क्या सोचा होगा कि डिंडोसी में इस चीज की कमी है मुझे करना चाहिए? अब आपने जो सवाल किया है हमसे, तो क्या करना चाहिए, ये तो बहुत मामूली सवाल हो गया, क्योंकि क्या बहुत कुछ करना है। डिंडोसी विधानसभा में एक विधायक को, एक एमपी को ऐसे करने वाले सारे काम ये पेंडिंग है, ये बाकी रह चुके हैं, कुछ किया ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं है यार। तो वो काम हम लोग, मैं पूरी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग पूरे जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे, उनका काम पूरी तरह से करेंगे। सबसे पहला काम है वहां पे रोड वाइंडिंग, जो रास्ता जो है, जो आप देख रहे हैं कि वहां से कुछ आदमी चलते हैं, कुछ महिलाएं चलती हैं, स्कूल के विद्यार्थी चलते हैं, तो उनको अपना जान घात पे लेके चलना पड़ रहा है। वहां पे ट्रैफिक की समस्या इतनी है, शाम के टाइम में आप जाओगे तो हाईवे से लेके अप्पा पाड़े तक पहुंचने में 1 घंटा चला जाता है, जबकि आदमी मलार से चर्चगेट पहुंचेगा। और वो काम सालों से पेंडिंग है,
अब जबकि वहां पे डीपी रोड आए हुए हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए, डीपी रोड वहां पे खुलने चाहिए, ये लोक प्रतिनिधि का काम है, ये लोगों का काम नहीं है, वो हमारा आपका मतलब लोक प्रतिनिधि जो है वो उनका काम है। और सबसे पहले वही काम मैं हाथ में लूंगा। और यहाँ पे अगर डीपी रोड खुल गए, जो रोड वाइंडिंग हो गया, तो दिंडोशी का विकास 100% होएगा, इसकी मुझे जानकारी है। और वहां पे जो रोड के बीच में आने वाले घर है, दुकान है, उनको वहां पे ही शिफ्टिंग दी जाएगी, इसका मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं वाइकर साहब के माध्यम से, हमारे खासदार है वाइकर साहब के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र जल्दी लिखूंगा कि वहां पे जो रोड वाइंडिंग में घर जाने वाले हैं, उनको वहां पे 700-800 घर सालों से बन के सड़ रहे पड़े हुए, किसी लोक प्रतिनिधि ने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। तो हम लोग हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वहां पे घर है, जो जो बाधित होने वाले हैं, उनको वही शिफ्टिंग मिल जाए और वो हमारे वोटर रहे और वो खुश रहे और हमें हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। एक इसी डीपी रोड को लेकर एक बहुत बड़ी एक चर्चा इस वक्त जारी है, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं सन 1991 में पारित किया गया था, जो कि 120 फीट का डीपी रोड बनना था। 1991 से लेकर आज 2024 का दिन, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गति भी आई है एक नाथ शिंदे साहब की सरकार जब से ही, थोड़ा सा उसके ऊपर रुझान है। समस्या ये है कि डीपी रोड में प्लान तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जो दुकान आ रहे हैं, जो घर आ रहे हैं, उनको शिफ्टिंग ना देके उन्हें मुआवजे देने की बात की जा रही है, जो कि लोग नहीं चाहते। वो अपना व्यवसाय छोड़ के क्यों किसी और जगह पे जाएंगे? तो क्या कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि आप उन लोगों को, खास करके 120 फीट डीपी रोड जो क्रांति नगर को जोड़ेगा नागरी निवास से, उस बीच के लोगों को आप कहाँ शिफ्ट दिलाएंगे? 100% ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे लिए, दिंडोशी के लिए, खास करके दिंडोशी के लिए, क्योंकि वो जो डीपी रोड आप जो बोल रहे हैं, वो कंदौली से लेके यहाँ पे एफएम सिटी यहाँ पे आने वाला है। और वो डीपी रोड 20 मिनट में मुलुंड थाना और 20 मिनट में नवी मुंबई वासी यहाँ पे पहुंचने वाला है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है और बहुत अच्छी तरह से होएगा। जो यहाँ से हम लोग को वासी जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है, यहाँ से नवी मुंबई थाना जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है, हम सिर्फ 20 मिनट में यहाँ से वहां पहुंच सकेंगे। यहाँ पे रहने वाले, वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स है, जो ऑफिस में जो जाने वाले लोग हैं, उनको एक आधे घंटे में वहां तक पहुंचने की सुविधा ये रोड के माध्यम से 100% मिलेगी। लेकिन उसके वो सब काम करते हुए भी किसी के ऊपर अन्याय ना हो, किसी को माहौल या उधर मानखुर्द वहां पे जाना नहीं पड़े, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। हम लोग जो डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो यहाँ पे जो बाधित लोग हैं, उनको पूरा का पूरा सहयोग हमारे से मिलेगा और वो हमें 100% सहयोग देने के लिए तैयार है। और मेरा दिगावकर साहब जो है, वार्ड ऑफिसर है किरण दिगावकर साहब से, उनसे इस बारे में 3-4 बार मेरा बात भी हो चुका है, मेरा पत्र व्यवहार भी पहले से हो चुका है, लेकिन अभी वाइकर साहब आए हुए, उनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और वो जल्दी से जल्दी आने वाला साल भर के अंदर, मतलब वो 6 महीने के अंदर वो डीपी रोड हम लोग चालू करने की कोशिश करेंगे, जो सबको शिफ्टिंग देने की और दुकान वाले को भी उनका समाधानकारक जगह देने की हम लोग कोशिश करेंगे। बात विकास की होगी, बात अगर एक रणनीति के तहत होगी तो कहीं ना कहीं विरोध भी आपको अपने लोगों का झेलना है। तो ऐसे में एक पार्टी का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व चुनेगी कि हमें किस एक उम्मीदवार को, एक साफ सुथरे चेहरे को जनता के बीच में भेजना है। अगर ऐसे में, क्योंकि ये हालांकि आपकी सहयोगी पार्टी में देखने को मिल रहा है, इसी दिनों से विधानसभा में एक ही पार्टी के दो दो मंच लग रहे हैं, तो उसका जो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो क्या अपनी कुछ ऐसी तैयारी है, अगर पार्टी ने आपको ना देके किसी और को दिया या सामने वाले को ना देके आपको दिया, तो ऐसे में आप किस तरीके से बांध के चलेंगे, क्योंकि आपको आपका उम्मीदवार जीत के लाना है? 100% देखो, जो घर होता है उस हर घर में, सब घर में नहीं लेकिन कुछ कुछ घर में कुछ ना कुछ झगड़े तो होते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। आप देखा है, परिवार है तो झगड़े होंगे। ये शिवसेना है, हमारा परिवार एक कुटुंब है और उसमें झगड़े तो छोटे मोटे होते रहेंगे। लेकिन अभी ये परिस्थिति और ये टाइम वो झगड़ा करने का नहीं है। अभी जो झगड़ा करने का टाइम था वो निकल गया। अभी 2.5 साल से हमारा पक्ष काम कर रहा है यहाँ पे, हम लोग एक साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, हम लोग पक्ष बनाए, पक्ष यहाँ पे लाए, यहाँ पे खासदार चुन के लाए, हम सबके ताकत पे, सबके
सबके काम के जोड़ पे यहाँ पे खासदार हम लोग ने जीता के लाए हैं। और मेरा यकीन है कि अभी आने वाले समय में तो अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई तो 100% यहाँ पे अच्छा वोट बैंक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग को लोकसभा में भी हम लोग को अच्छा वोटिंग मिला था। आप देखा होगा कि सिर्फ 1700 वोट से हम लोग पीछे है। और जो उम्मीदवार 10 साल से यहाँ पे कैंडिडेट रह चुका है और एमएलए रह चुका है उनके खिलाफ यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1700 वोट से पीछे है। इसका मतलब है हम लोगों ने, हमारे मित्र पक्षों ने, सबने अच्छा काम किया है, लोगों तक पहुंचे हैं और हमारा जो विजन है वहां तक उनके तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है, लोगों को विश्वास है एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर। अभी आने वाला जो कोई भी उम्मीदवार उनका होगा वो अभी 1700 वोटों से हम लोग पीछे है। लेकिन कम से कम मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम लोग अभी ये लाडली बहन योजना के तहत बाकी जो योजना सब हम लोग लेके सबके पास जा रहे हैं, हर घर में घर अभियान, कुटुंब भेंट जिसको हम साहब ने शुरू किया है, वो घर कुटुंब अभियान के दौरान हम लोग हर घर में जा रहे हैं और माँ बहनों को वो मिल रहे हैं वहां पे। और वो मिलने के बाद हमें ऐसा विश्वास प्राप्त हो रहा है कि कम से कम ये विधानसभा में 50 से 60 हजार, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 50 से 60 हजार मताधिक्कों से जो भी उम्मीदवार है हमारा, या मैं रहूं या हमारे पार्टी के कोई भी रहे, और जो साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे वो 100% 50 से 60 हजार वोटों से चुन के आएंगे। रही बात अभी झगड़े की और जो अनबन है हमारे बीच में उसकी, तो मैं विभाग प्रमुख हूँ और विभाग प्रमुख गए 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, सबके लेके काम कर रहा हूँ। हमारे नीचे उप विभाग प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा प्रमुख है, विधानसभा संगठक है, और नीचे गटर प्रमुख है, उसके उपशाखा प्रमुख है, उसके नीचे शिवदूत है। हमने शिवदूत तक हर यादी में एक मेरे ख्याल से 3500 शिवदूत हम लोग ने विंदोसी विधानसभा में बनाए हैं, जो हमारे पार्टी से कलेक्टेड है और हमें वोटिंग कर रहे हैं। उसका परिणाम आपने अभी लोकसभा में देखा ही होगा, तो उनको सबको लेके साथ में हम लोग काम करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत अनबन तो रहेगी, जो नहीं आएंगे उनको जय जय माता करके थोड़ा सा लंबा रख के, और जो साथ में आएंगे उनका स्वागत करके हम लोग आगे चलेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा कैंपेनिंग करके हम लोग ये सीट 1001 का जीत के लाएंगे। कुल मिला के कहीं ना कहीं जो एक नेतृत्वकर्ता का जो आदेश होगा उसके तहत ही ये रणनीति बनाई जा रही है। गणेश साहब, जानना चाहेंगे एक अंत में, आप दिल्लोसी विधानसभा की जो जनता है, जो समय नेशनल को देख रही है, क्या एक आह्वान करना चाहेंगे एक प्रतिनिधि के हिसाब से? मैं लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आने वाला आपका उम्मीदवार हमारे पार्टी से कौन है ये आप मत देखिए, एकनाथ शिंदे साहब को नजर में रखिए, उनका काम देखिए। गए 2.5 साल से वो तो गरीबों के लिए उन्होंने कितना निर्णय लिया है, कितनी योजना लाई है, तो खास करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कामगार वर्गों के लिए जो उन्होंने जो योजना लाई है वो हम लोग घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सब जन लाभ लीजिए। सब माँ बहने हैं, कामगार वर्ग है, या रहने वाले वयोश्री योजना जो अभी हम लोगों ने लाई है उसका भी सब जन ने लाभ लीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके घर घर में आएंगे। इलेक्शन अभी तो इलेक्शन लगने में थोड़ा टाइम है, तब तक हमारे पास समय है, हम लोग आपके पास आएंगे। हमारा हर प्रतिनिधि, हमारा शिवदूत, हमारा गटर प्रमुख, हमारा उपशाखा प्रमुख, हमारा शाखा प्रमुख, ये आप तक आएगा, आप तक पहुंचेगा, आपको समझाएगा, आपको जब भी जरूरत है हम लोग 100 365 दिन आपके लिए अवेलेबल है। एक सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के बाद भी हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, हमेशा आपका काम करते रहेंगे। धन्यवाद। गणेश जी, इस खास मुलाकात में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गणेश जी के साथ जुड़कर तमाम वो गतिविधियां जो इन्होंने अभी तक की है, ये इंटरव्यू भी अधूरा है क्योंकि इन्होंने जब तक काम किया है उसकी व्याख्या करने जाएंगे तो उसके लिए एक सेकेंड एक पार्ट आना बहुत जरूरी है। उन तमाम बातों को लेकर हम जल्द एक बार फिर आपके साथ शामिल होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखिए खास मुलाकात अरुण कुमार गुप्ता के साथ।